आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो इस बेस पे है कि क्लाइंट मुझसे पूछते हैं कि मुझे जरूरत क्या है पैच लगाने की। एक्चुअली क्या होता है, जब 22-23 साल का कोई लड़का होता है, उसकी शादी नहीं हो रही होती है, या 30-35 साल की उम्र में बाल झड़ जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हाँ हमें जरूरत है पैच लगाने की, हम जरूरत के हिसाब से पैच लगाएंगे। पर लेकिन सर जब आज आए तो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि मुझे जरूरत क्या है पैच लगाने की, मैं क्यों लगाऊं पैच। तो इनका ये क्वेश्चन मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, तो इसका मैं रिप्लाई ये देना चाहूंगी कि हर चीज जरूरत के लिए नहीं होती, कुछ हमारे शौक भी होते हैं। अगर आपको बालों का शौक है तभी आप यहाँ पे आए हो हमारे पास, इसका मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं है कि मेरे सर पे बाल होने चाहिए। दूसरा ये कि मान लीजिए आप एक पार्टी में जा रहे हो, अपने पूरा सूट वूट पहन के अच्छे से तैयार हो गए और सर पे बाल नहीं है, आप वहाँ जाके फोटो खिंचाने में भी आपको थोड़ी शर्म आएगी कि मैं फोटो नहीं खिंचाऊंगा, मेरी फोटो अच्छी नहीं आएगी। तो जब बाल लग जाएंगे तो एकदम पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। अपनी वाइफ के साथ खड़े होकर भी बहुत अच्छे से फोटो खिंचा सकते हैं, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है। सर की जो पर्सनैलिटी है वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन जब बाल लग जाएंगे तो इनकी पर्सनैलिटी और इन्हेंस हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि हमें ज़रूरत है तभी हम वो करें, इस एज में ही आके हम अपने शौक ज़्यादा से ज़्यादा पूरे करते हैं। जो हमारी लाइफ होती है, कभी हम अपनी फैमिली के शौक पूरे करने में बिजी होते हैं, कभी बच्चों के शौक पूरे करने में बिजी होते हैं, तो यही एक उम्र है जिसमें हम अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। तो उसको हम बाल लगाएंगे, फिर इनसे पूछेंगे कि अब बताइए अभी आपकी ज़रूरत थी या ये आपका शौक था। सर को पैच लगा दिया है, पैच लगते ही सर की एज आप देख सकते हो कि 5 से 8 साल कम लगने लगी है। तो आज सर की जरूरत भी पूरी हो गई और शौक भी पूरा हो गया। अब इनको जब घर जाएंगे ये कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे तब इनके अंदर और ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो कह रहे हैं कि मेरे सर पे बाल थे नहीं, अब बाल आ गए हैं, तो अब देखो घर जाके क्या कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो सर को जैसे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे वैसे ही सर हमको बताएंगे फोन करके कि मेरी वाइफ बोल रही थी बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे दोस्तों ने बोला बहुत अच्छा लग रहा है, और जिनके सर पे बाल नहीं है उन्होंने आपका नंबर लिया। तो देखते हैं सर हमारे पास कितने क्लाइंट भेजते हैं। वैसे जितने भी लोग यहाँ से पैच लगवा के जाते हैं वो फिर हमारे पास आगे क्लाइंट भेजते हैं, तो सर देखते हैं हमारे पास कितने क्लाइंट भेजते हैं। सर का तो हमने शौक पूरा कर दिया है, इनसे पूछते हैं कि अब इनको कैसा लग रहा है। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की मुझे क्या लगी कि मैंने कई जगह जाके देखा, बट अल्टीमेटली मुझे यहाँ आना शायद बाई डिफ़ॉल्ट था, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद खुशी हो रही है कि यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी है एंड दी ट्रीटमेंट एंड दी एक्सपर्ट्स आर देयर। सो आई वुड रेकमेंड, होपफुली वी विल कंटिन्यू टू सेंड मोर पीपल हियर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।